नमस्कार, स्वागत है आपका अपना HBN न्यूज चैनल में। जी हाँ, पातेपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 130 से हमारे साथ आज शशि कुमार भारती, उस शशि भारती जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहे हैं। इनसे हम पूछेंगे कि जनता की वोट जो मांग के आज आ रहे हैं, इनका जनता से कैसा रिस्पॉन्स है। तो सर नमस्कार, स्वागत है आपका HBN न्यूज चैनल में। मैं जानना चाहता हूँ कि आज आप HBN न्यूज को इंटरव्यू दे रहे हैं और बहुत कीमती समय है आज आपके लिए, क्योंकि आजकल क्योंकि बहुत ही समय देख रहे हैं कि आज आप बिजी रह रहे हैं लगातार। आप जनता से वोट मांग के आए हैं, जनता का कैसा रिस्पॉन्स रहा है आज? सर्वप्रथम जब जनता के बीच गया मैं, तो जनता के नब्ज को जब मैंने टटोला, तो जनता चाह रही है कि बदलाव हो, और बदलाव होने के साथ साथ ही युवा लोग के कंधे पे जो है ये लोग जिम्मेदारी सौंपना चाह रहे हैं, जिसका कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बहुत अच्छा मिल रहा है लोगों के बीच में। युवाओं में एक मतलब जोश है कि 26 साल का जो है कैंडिडेट हम लोगों के बीच में है, तो लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है और एकदम जोरदार समर्थन मिल रहा है। सर जनता के कहना है कि बदलाव तो होना चाहिए, इस बार हम भी क्षेत्र में कई सारे घूमे तो बदलाव तो चाहते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप जीत जाते हैं तो फिर पहला मुद्दा क्या रहेगा, किस विषय पे आप जनता को कहेंगे कि हाँ हम जीत चुके हैं और किस बदलाव को लेकर के आगे बढ़ेंगे? मेरे जीतने के बाद प्रथम सबसे पहला काम जो होगा वो मजदूरों के लिए होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है मजदूरों के लिए कोई उपाय नहीं है लोगों के काम करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि मेरे जीतने के बाद कल कारखाने के बारे में सोचकर कल कारखाने लगाओ, जिससे कि मजदूरों का पलायन रुके और वो लोग अपने परिवार के साथ रह के यहीं पे वो जो है अपना काम करे और लोगों के बीच में रहे, ताकि लोगों को अपने परिवार का साथ भी मिले और रोजगार भी अपने घर पे ही मिल सके। और जानकारी लोगों से आ रही है कि NCP के जो शरद पवार अध्यक्ष हैं, वो क्या किसी सरकार से गठबंधन कर सकती हैं? जी अभी तक तो ऐसा कुछ पार्टी की तरफ से बताया नहीं गया है। वो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व जो चाहेंगे, हम लोग तो पार्टी के मतलब फॉलो करेंगे, जो बताएंगे हम लोग पार्टी के नेतृत्व के आदेश को फॉलो करेंगे। बिल्कुल, महिलाओं के लिए आपकी सरकार ने क्या क्या कुछ तैयार किया है प्रारूप में, कि क्या क्या बदलाव करेंगे, महिलाओं के लिए क्या क्या योजना ला रहे हैं? महिलाओं के लिए जो योजना है जो अभी है, वो सर्वप्रथम जो है उन लोगों के रोजगार के लिए मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए जो है वो विचार किया जा रहा है, मेमोरेंडम में उसको डाला गया है, और बेटियों के लिए जो है मतलब उच्च शिक्षा के लिए जो है मतलब इसका भी प्रावधान किया जा रहा है, ताकि गवर्नमेंट बने तो उन लोगों को जो है मुफ्त शिक्षा जो है फ्री एजुकेशन मिल सके जब तक वो पढ़ना चाहे। उसके बाद है स्वरोजगार, जो कि अभी यहाँ पे जो महिलाओं को स्वरोजगार नहीं मिल रहा है, तो इन सब मुद्दों को लेके हमारे पार्टी के तरफ से जो है मेमोरेंडम बनाया गया है, जिसपे कि हमारी सरकार बनती है तो हम लोग इस सब सारी मुद्दों को जो है इसको जनता के लिए मतलब जो काम करेंगे। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।